में समाजवादी पार्टी से तीन बार विधायक शरद वीर भी सपा से इस्तीफा देकर आज बीजेपी में शामिल हो गए। शरद वीर सिंह से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शरद वीर सिंह जी, जो मौजूदा विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब बीजेपी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया है। सर, क्या कारण रहा, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज हो, आपने इस्तीफा दिया या कोई और वजह थी? नहीं, ये कारण नहीं है। मैं कोई शर्त से नहीं आया भाजपा में। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने मेरा टिकट काट के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो मेरे मुकाबले तीसरे नंबर पर रहा था, जिसमें तमाम भ्रष्टाचार के उसके आरोप हैं। अगर मुझे कोई लालच होता तो मैं भाजपा में टिकट मांगता, या अगर नहीं मिलता तो और कहीं देखता, या टिकट में के लिए प्रयास करता। मैं निस्वार्थ रूप से भाजपा में शामिल हुआ हूँ, मेरी कोई शर्त नहीं है। मुझे अब देश हित और समाज हित में मुझे ये लगा कि भाजपा ही एक पार्टी है जो सर्व समाज की पार्टी है, सभी वर्गों का ध्यान रखती है, सभी के काम करती है, उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपका तो ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए आप बीजेपी ज्वाइन कर गए। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर ऑप्शन नहीं था तो मैं, मेरा टिकट लगभग 20-25 दिन पहले मुझे जानकारी मिल गई थी कि नहीं मिलने को है, तो मैं प्रयास करता। मैं आप किसी से भी मालूम कर लिए, मैंने भाजपा से कोई शर्त ही नहीं रखी। टिकट वाली बात कहाँ से आ गई, मुझे टिकट चाहिए नहीं था। मैं तो निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ तो जो लोग हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े हैं, जो जनता हमसे अपेक्षा करती है, तो वो मुझे लगा कि मैं भाजपा में पहुँच कर उनकी सेवा कर पाऊँगा, समाज हित में काम कर पाऊँगा, इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन करी। सर, नाराजगी समाजवादी पार्टी से थी कि समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अखिलेश यादव से थी? नहीं, समाजवादी पार्टियों का मूल उद्देश्य जो जिसके लिए गठित करी गई थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उससे पूरी तरह से उस रास्ते से हट गई है। उसका अपना कोई नीति, कोई पॉलिसी नहीं रह गई है, सिर्फ कुछ माफिया टाइप के, कुछ धनाढ्य लोग अब समाजवादी पार्टी की नीतियां तय करते हैं। धन्यवाद सर, बात करने के लिए। इस सर्वे जी ने साफ कहा है कि जो नीतियां थी समाजवादी पार्टी की वो बदलती नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज, नई दिल्ली। अब आइए आपको मुजफ्फरनगर से